Hello students, welcome to all of you in this super cool, super duper session of Crack NEET NEET UG exam with us. Crack NEET UG exam with us, जहां पर आपको highly experienced educators जो कि आपको बहुत ही quality content देंगे, जिनके पास बहुत गजब का experience है. तो चलिए NEET को crack करिए मेरे साथ और Unacademy के साथ in this super cool channel on Unacademy. Let's crack NEET UG. मैं डॉक्टर मीतू भावनानी, बाय प्रोफेशन आई एम अ डेंटिस्ट, आई एम अ डॉक्टर. पिछले 7 सालों से नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे इतना तो पता है कि बच्चों आप लोगों को क्या चाहिए. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग आज के सेशन में क्या देखने वाले हैं. उससे पहले मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको. Unacademy इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन चुका है. पता नहीं कितने कोर्सेज हैं इस पर, हाईली एक्सपीरियंस एजुकेटर्स हैं जो कि अपने जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस के साथ इतनी मेहनत की है लाइफ में, वो इस कोर्स के थ्रू आपको दे रहे हैं. मैं भी Unacademy के साथ जुड़ गई हूँ और मैं आपको बायोलॉजी के कोर्सेज दूंगी NEET UG पर. उसके लिए अगर आपको मुझसे पढ़ना है, कोर्सेज को लेना है Unacademy पर, तो आपको फोन में प्ले स्टोर में जाके Unacademy लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा. जैसे ही आप अपने फोन में Unacademy लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे, आपको एसएस मिल जाएगा, मैं आपको मिल जाऊंगी और मेरे बहुत सारे कोर्सेज जो भी मैं वहां आपको दे रही हूँ आप बहुत इजीली ले सकते हैं. Unacademy आपको लाइव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. लाइव मतलब लाइव टू लाइव इंटरेक्शन, बिल्कुल ऐसा वो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की फीलिंग दे रहा है. 2-in-1 आपको एक जगह पर मिल रहा है. एजुकेटर्स ऑफ NEET UG वेरी हाईली एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स. अगर आपको किसी भी एजुकेटर का कोर्स पसंद आता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आपको मुझसे पढ़ना है, मेरा कोर्स लेना है, तो गो बेस्ट, मतलब जो सबसे बेस्ट है मैं आपको वही सजेस्ट करूंगी. हर एजुकेटर अपने स्टूडेंट्स का भला ही चाहते हैं, तो 1 साल और 2 साल का कोर्स सबसे बेस्ट है. उसमें आपको क्या बेनिफिट है, MB10 जैसे ही आप प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे, 1 साल के कोर्स में आपको डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और 2 साल के कोर्स में भी आपको डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. तो MB10 प्रोमो कोड आपको अप्लाई करना है. पहले आप Unacademy लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे, एसेस करेंगे कोर्स को. जैसे ही आप NEET UG में मेरे कोर्सेज को देखेंगे, आपको MB10 कोर्स अप्लाई करना है 1 साल के लिए और 2 साल के लिए. स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया बच्चा लोग? जो आज टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूं वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि क्लास 12th का फर्स्ट टॉपिक है. पहला लेक्चर लेने वाली हूँ इसका, पहले टॉपिक का. साथ में इसके वेटेज की अगर बात करें NEET में, तो NEET के अंदर अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए, तो मिनिमम से मैक्सिमम अगर एवरेज बिठाया जाए, तो 2 questions तो आप मान के चलिए, 2 questions तो आप लोग मान के चलिए कि एग्जाम में आते ही हैं. बायोलॉजी को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है वो हम लोग अब इस धीरे धीरे सेशंस में देखेंगे. देखो मैंने एक पिक लगाया है, फिश ने फिश को पैदा किया, हैन ने एग दिया, अपने जैसे हैन को पैदा किया, मदर फादर ने बच्चे को पैदा किया. देखो कितना अच्छा लग रहा है, मदर और फादर अपने नैप में बच्चे को कैरी करके बैठे हैं. तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा प्रोड्यूस करो, रिप्रोड्यूस करो, अपने जैसा एक और बनाओ. देखो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक फ्रेमवर्क होता है, एक कंटेंट डिसाइड करते हैं हम लोग. उन कंटेंट्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. इज इट क्लियर? ओके, दिस इज ओके. इंट्रोडक्शन, उसमें हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन, लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ेंगे, जीवन काल के बारे में पढ़ेंगे. रिप्रोडक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने देखा था, लेकिन कहीं ना कहीं अपवाद और एक्सेप्शंस आते हैं. तो अगर हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में देखें, तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में देखेंगे. तो ये एक पूरी तरीके से एक ढांचा बन गया है इस चैप्टर का, एक फ्रेमवर्क बन गया है कि भाई इसको मद्देनजर रखकर आपको पढ़ाई करनी है, स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली कनेक्ट होना है. चलो हम लोग अगर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन लिविंग, देखो सब कुछ लिखा हुआ है, समझो इसको ध्यान से, रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म से करते हैं. ये पेन है नॉन लिविंग,
इसके जैसा एक और पेन ये खुद नहीं बना सकता है। मैं ऐसा एक और पेन, चलो मैंने ऐसा एक और पेन और रख दिया, अभी भी ये सेम नहीं है, ठीक है। इस जैसा पेन मैं अब रख दूं, आप बोलोगे रिप्रोड्यूस हो गया, पर इस पेन ने तो उसको प्रोड्यूस नहीं किया ना, इस पेन ने तो उसको रिप्रोड्यूस नहीं किया। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये फिजियोलॉजी है, ये एक्टिविटी है, ये वरदान है कि वो अपने जैसा एक और पैदा कर सकते हैं। इज इट क्लियर? जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, पढ़ना है हंसते हुए, ये एक और इसने ऐसा बना दिया। तो जिस तरीके से डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, उसी तरीके से रिप्रोडक्शन भी है। लेकिन सबसे जो अहम बात होती है इसके अंदर, देखो ये एक डिफाइनिंग फीचर है, फंडामेंटल फीचर है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं। डॉग ने डॉग को पैदा किया, बेबी डॉग, माँ बाप ने बच्चों को पैदा किया, हम भी अपने माँ बाप से आए हुए हैं, मैं भी अपने मदर फादर का क्रिएशन हूँ, एम्ब्रियो से आई हुई हूँ, ठीक है। और कैट ने कैट को जन्म दिया, कैटरपिलर ने कैटरपिलर को दिया। तो दीज आर द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो नेचर ने डिसाइड करके रखा है। अब चाहे एक सेल का ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोडक्शन कर सकता है, दो सेल का हो कर सकता है, बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स उसकी बॉडी में भरे में कर सकता है। सेल होना जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन से रिलेटेड है। सेल डिवीजन बोले तो स्टूडेंट्स, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, पहले न्यूक्लियस को तोड़ दो, डिवाइड कर दो, फिर साइटोप्लाज्म को तोड़ दो। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन। पहले कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन का देखो चैप्टर किस तरीके से इंटर रिलेट कर रही हूँ, ये भी बात ध्यान से देखना, जुड़े रहना, कॉन्सेंट्रेट करो मैं क्या बोल रही हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन नॉट असेंशियल फॉर सर्वाइवल। पूरे लाइफ स्पेन में मरने से पहले अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो वो बिना रिप्रोडक्शन के नहीं मरेगा। खाना नहीं खाओगे मर जाओगे, पानी नहीं पियोगे मर जाओगे, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा कोई डिसऑर्डर से मर जाओगे, रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, ऑक्सीजन नहीं आ रही, मर जाओगे। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं करोगे, पूरे जीवन काल में बेबीज नहीं बनाओगे, अपने जैसा अगर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं पैदा करोगे, तो आपके सर्वाइवल पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इज इट क्लियर? सो इट इज नॉट असेंशियल फॉर सर्वाइवल। ये सिर्फ वंश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोसीजर लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। इज इट क्लियर? ये पूरा एक इंट्रो पता चल गया। अब लाइफ स्पेन का मतलब क्या है? मैंने जन्म लिया है, जब तक मेरी नेचुरल डेथ नहीं होती, जितना टाइम मैं जीऊंगी वो मेरा लाइफ स्पेन है। एक नॉर्मल लाइफ स्पेन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ मिनटों से लेकर सालों तक का वेरिएशन है। नेचुरल डेथ होना मतलब कि जो एक नॉर्मल लाइफ स्पेन किसी ऑर्गेनिज्म को अलॉट किया जाता है वो उतना जी गया। अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया कोई, भगवान ना करे साइक्लोन आ गया, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई और बस आप पैदा हुए हो और डेथ हो गई, तो दिस इज नॉट कंसिडर अ नेचुरल डेथ। ये एक्सीडेंटल हो गई या अचानक हो गई। आगे बढ़े स्टूडेंट्स, देखो मैंने एक टेबल बनाई है, कम से कम लाइफ स्पेन से लेके ज्यादा से ज्यादा लाइफ स्पेन तक हम लोग ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हैं। मे फ्लाई एक दिन जीती है बस, यार क्या बात है, तो जीके का क्वेश्चन बनेगा ये, तो मुझे लगता है आईएएस एग्जाम भी पूछा गया होगा। मे फ्लाई सुबह पैदा हुई, रिप्रोडक्शन किया, रात में मर गई। जाइंट टॉर्टोइस 100 से 150 साल तक जीता है। बटरफ्लाई लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल, एनिमल के बारे में ठीक है, प्लांट और एनिमल फर्क करके चलना। बटरफ्लाई है, मैन का लाइफ स्पेन ठीक है, बटरफ्लाई का 1 से 2 हफ्ते होता है, मैन का हम लोग आजकल 100 साल ले रहे हैं। पहले क्यों नहीं था? क्योंकि पहले मेडिकल फैसिलिटीज इतनी नहीं थी। जैसे किसी को जॉन्डिस हो गया तो जॉन्डिस से डेथ हो जाती थी, आजकल जॉन्डिस का पेशेंट ठीक हो जाता है। मेडिकल फैसिलिटीज है, पर्सनल अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गई है, लोग हेल्थ और हाइजीन का मतलब समझने लग गए हैं, उन्हें उनकी इंपॉर्टेंस की कद्र होती है कि अपनी हेल्थ और हाइजीन आपको हमेशा मेंटेन करें। ये मैसेज मैं आप लोगों को भी दूंगी ठीक है। पैरेट है, तोता 140 ईयर्स, जो मीठू बोलता है। बनियान ट्री, पीपल ट्री, लाइफ स्पेन आपके सामने है। देखिए लाइफ स्पेन से रिलेटेड मैं बीच बीच में बताऊंगी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हम एवरेज 2 की बात कर रहे हैं, 3 से 4 भी पूछे जा सकते हैं, तो लाइफ स्पेन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं।
इज इट क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखो, ये जो पूरा जीवन काल है, ये जो पूरा जीवन काल चल रहा है, इसमें अगर हम लोग इसको अगर हम लोग फोर फेसेस में बांटें कि मैं पैदा हुआ, फिर मैं मैच्योर हुआ, मैंने रिप्रोड्यूस किया और फिर मैं मर गया, तो जुबिनी लिखी पैदा हुए हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं, हो रहे हैं, प्यूबर्टी स्टेज अटेंड नहीं की गई है, यू आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरी तरीके से तैयार हैं, मेल के भी फीमेल के भी या अदर किसी बॉडी में अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अब आप रिप्रोडक्शन कर सकते हो, अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म बना सकते हो। एजिंग एंड सेनेसेंस, एजिंग अगर सिंपल हिंदी भाषा में बात करें तो बुढ़ापा आना, ओल्ड एज आना, सबका। देखो ये जो चारों फेसेस है ना, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में आते, ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इन चारों फेसेस से बच सके। जुविनिलिटी भी होगी, मैच्योरिटी भी आएगी। एजिंग में क्या है, बॉडी के अंदर जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज चल रही है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन, न्यूरल कंट्रोल, एंडोक्राइन कंट्रोल, एवरीथिंग, लोकोमोशन, धीरे 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 कम होता है, बिल्कुल धीरे धीरे। वो कहते हैं ना, बच्चा पैदा हुआ है, थाइमस ग्लैंड जोरों पर है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट है, जैसे जैसे ओल्ड एज में जा रहे हैं थाइमस ग्लैंड डेट्रोएट हो रहा है, उतने जबरदस्त लिम्फोसाइट्स को मैच्योर नहीं कर रहा है, तो इम्यूनिटी ओल्ड एज में कम है। एंड फिर फाइनली डेथ, फुल स्टॉप टू दी लाइफ, कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है, नो मेटाबॉलिज्म, आई कैन नॉट कंसिडर एनी कैरेक्टर, मैं किसी भी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक की प्रॉपर्टी उस डेड पर्सन पे अप्लाई नहीं कर सकती। इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्पैन नॉट रिलेटेड विद साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, छोटा सा चूहा है, जैसे मैं चीटी हाथी की बात करूं, बहुत ही दोनों का बहुत बढ़िया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी कहानी भी बनी हुई, चीटी की साइज इतनी है, उसका अपना लाइफ स्पैन है, हाथी इतना बड़ा है, उसका अपना लाइफ स्पैन है, तो इसका ये आप मतलब ये नहीं निकाल सकते कि चीटी छोटी साइज की है तो कम लाइफ स्पैन होगा, वो कम जिएगी, जल्दी मर जाएगी, या हाथी बहुत बड़े साइज का है तो वो ज्यादा जिएगा। लाइफ स्पैन बॉडी के साइज पे कतई भी डिपेंड नहीं करता है, वो अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम अमीबा तो है, बुक्स में लिखा है। देखो अमीबा डिवाइड करके डॉटर सेल्स जरूर बना रहा है, अपना एग्जिस्टेंस तोड़ रहा है, लेकिन अपने अंदर के पार्ट्स ही तो दे रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कभी भी अपनी लाइफ में मरेगा ही नहीं। तो कोई भी इंडिविजुअल, वो बोलते ना कि वो फल नहीं खा के आया है, सबको एक दिन मरना है, सबको, सबकी एक दिन डेथ निश्चित है। ठीक है, चलो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, अगेन मैंने बताया, सर्वाइवल के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए, स्पीशीज का नंबर आगे बढ़ाने के लिए, वो खत्म ना हो जाए, वेरिएशंस एंड लाइफ, लाइफ को एक एग्जिस्टेंस देने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है स्टूडेंट। वेरिएशन मतलब वैरायटी, मैं अलग दिख रही हूँ, मेरे कजिन्स मुझसे अलग दिखते हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझसे अलग दिखते हैं, जो लाखों स्टूडेंट्स आप लोग मुझे देख रहे हो वो एक दूसरे से क्यों अलग हो, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखेंगे हम लोग एसेक्सुअल और सेक्सुअल में अगर वेरिएशंस को लेना है, इवोल्यूशन को देखना है, इवोल्यूशन चैप्टर को समझना है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना और करवाना बहुत जरूरी है। किस तरीके से होगा वो आगे देखेंगे, ये अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन चल रहा है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अब देखो यहां हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन दो तरीके से होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। पहले मैं पूरा एसेक्सुअल के बारे में पढ़ा देती हूँ, फिर मैं पूरा सेक्सुअल के बारे में पढ़ा दूंगी, फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे उसके डिफरेंसेस लेंगे। अभी पहले ही टेबुलर फॉर्म में करा दूंगी ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपको लगेगा मैम बहुत ज्यादा ही फास्ट हो गया। एसेक्सुअल मतलब साफ समझ में आ रहा है, ए जहां पर भी मैं वर्ड लगा देती हूं उसका मतलब होता है एब्सेंट, सेक्सुअल एब्सेंट है, सेक्सुअलिटी एब्सेंट है, गैमेट फॉर्मेशन एब्सेंट है, सेक्स सेल एब्सेंट है, तो गैमेट फॉर्मेशन नहीं, तो गैमेट फ्यूजन नहीं। जो बिल्कुल प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे यूनिसेल्यूलर मान लो, या मल्टीसेल्यूलर में भी जिनकी बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत छोटी है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वो इस तरीके का रिप्रोडक्शन करेगी, बहुत ही आसानी से हो जाता है, सिंपल है,
फास्ट प्रोसीजर है, फटाफट कम टाइम में आप पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। यूनिपेरेंटल है, एक ही पेरेंट की जरूरत है और वो पेरेंट कतई भी अपने जीवन काल में ना तो कोई सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है, ना ही कोई गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ना ही उसका कोई फ्यूचर होगा। ले दे के यूनिपेरेंटल इजी प्रिमिटिव, दैट्स व्हाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट स्टूडेंट्स। ये पेरेंट है, ये ऐसे दिख रहे हैं, ये इनके ऑफस्प्रिंग बन गए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखोगे या तो एक ऑफस्प्रिंग बनेंगे, दो या थोड़े ज्यादा बनेंगे, ऐसे बहुत सारे भी बनते, लेकिन ऐसे करोड़ों लाखों में ऑर्गेनिजम्स नहीं देखोगे। वैसे स्पोर फॉर्मेशन में ऐसा देखोगे आप, लेकिन इसके अंदर चलो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग चाहे एक बने, दो बने या बहुत सारे बने, वेरिएशंस नहीं है। जैसा ये दिख रहा है ना, डिट्टो का डिट्टो, ये इसका जो डॉटर है, ये पेरेंट मान लो, ये इनकी डॉटर मान लो, ऑफस्प्रिंग बच्चा, डिट्टो दिख रहा है, क्लोन, मिरर इमेजेस। इतना सा भी वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो यार वेरिएशन नहीं है, वैरायटी नहीं है, तो फिर कैसे मजा आएगा। आई बात समझ में? यहां पर जो अब जैसे मैंने ये पूछा, आप पूछोगे मैम ओके, नो कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन एवोल्यूशन, नो न्यूनेस, नो कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। अब मैंने ये कहा कि ये पेरेंट, ये इसने ऑफस्प्रिंग बनाया कैसे भाई, ये तो बहुत गजब की मिस्ट्री हो गई भाई। ऐसे कैसे बन गया पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, ऐसे कैसे एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बन गया? इसका कॉन्सेप्ट है सेल डिविजन का। इस सेल ने, ये जो पेरेंट के अंदर सेल है भाई, सेल मेरी बॉडी की बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है। आई कैन नॉट इमेजिन माई सर्वाइवल विदाउट अ सिंगल सेल। एक सेल तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि उसी सेल के अंदर क्या है, उस सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सारी रिएक्शंस है, सारी रिएक्शन से तो मेटाबॉलिज्म भी है। आई बात समझ रहे? तो इस सेल का आपको डिविजन करवाना है। इस सेल को जैसे ही आप डिवाइड करवाओगे, नए सेल बन जाएंगे और वो हर नया सेल डॉटर सेल कहलाएगा। इज इट क्लियर? किस किस में होगा लिखा हुआ, मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर में कौन कौन आता है? मोनेरल्स, किंगडम जो मोनेरा है वो प्योरली एंड प्योरली बैक्टीरिया से कवर्ड है, बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक, इनका साम्राज्य किंगडम मोनेरा। भाई मैं बैक्टीरिया हूं, मैं यूनिसेल्यूलर हूं और प्रोकैरियोटिक हूं, मैं एकदम यूनिक हूं। आर एच विटेकर के हिसाब से किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट एनिमिलिया होता है। प्रोटिस्ट में भी रिप्रोडक्शन देखा गया है, प्रोटिस्ट हमारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक है और सब मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, सारे मल्टीसेल्यूलर, एक्चुअली मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ कुछ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कुछ प्लांट हो गए, एनिमल, अभी आप देखना जब प्लांट में स्पेसिफिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो आप उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहो, लेकिन प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कहोगे, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो हेलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स से ऊपर हैं, वो डेवलप्ड हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एंजियोस्पर्म वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं कर सकते, लेकिन जब मेरे पास हाईली टेक्नोलॉजी है तो मैं बैकवर्ड क्यों जाऊंगी? आई बात समझ में? एबसेंट इन हायर इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट मतलब वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वर्टिब्रेट्स में वर्टिबल कॉलम रीढ़ की हड्डी होती है, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। अब देखो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इसमें भी कैटेगराइज होगी। मैंने कहा कि अच्छा आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आप ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करो पर इस मेथड से करो, आप दूसरे मेथड से करो। सो वी आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो। मतलब देखो जो हमारे पास हमारी बायोलॉजी में प्रिमिटिव लेवल पर भी इतनी डाइवर्सिटी है कि एसेक्सुअल मोड को भी इतना डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसमें जैसे मैं स्टार्टिंग में नाम बता देती हूँ, जैसे हमारे पास फिजन है, फिजन से होगा, बडिंग से होगा, मैंने डायरेक्ट नाम नहीं लिखे हैं, ठीक है, जिससे कि मैं आपको खुद भी थोड़ा लिख के बताऊं। उसके बाद हो गया फ्रेगमेंटेशन,
फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, आगे भी आएंगे, एक एक करके पढ़ते चलते हैं, ठीक है। फिजन, फिजन का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, लॉजिक समझाऊंगी बस, सिर्फ लॉजिक, ये है, ये काट दो, मैं इसको ऐसे भी काट सकती हूँ लॉन्जिट्यूडनली, मैं इसको बीच में से ट्रांसवर्स भी काट सकती हूँ, बोलते ना कि हम इसका LS लेंगे, इसका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लेंगे, इसका TS लेंगे, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लूंगी, मैं इसको ऐसे ऑब्लिक भी काट सकती हूँ। तो देखो प्लेन हो गए, एक ऑर्गेनिज्म को न जाने कितने तरीकों से आप काट सकते हैं। एक रामबाण चीज याद रखना, एसेक्सुअल सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक सेल डिवीजन से होंगे। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो उसको सेल डिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि सेल डिवीजन ग्रोथ भी करवाता है, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंटररिलेटेड, एक्चुअली दे आर नथिंग बट द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। लिविंग वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब देखो फिजन है, फिजन मतलब काटो, कॉन्सेप्ट क्या होगा, एसेक्सुअल, दिमाग में क्या घूमेगा, एसेक्सुअल है, प्रिमिटिव है, कोई वेरिएशन नहीं है, एक ऑर्गेनिज्म यूनिपेरेंटल, ओके सिंगल ऑर्गेनिज्म, डिवाइड कर दो। और अच्छा, अगर आप किसी चीज को डिवाइड करोगे तो आपको कितने ऑफरिंग्स मिल सकते हैं, दो या दो से ज्यादा भी मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। सो रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ टू और मोर देन टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब जो नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, जो रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है, एक बार प्रोडक्शन हो गया, अब दोबारा रिप्रोड्यूस करो। आई बात समझ में स्टूडेंट्स, इतना आ रहा है, चलो। अब एक पेरेंट के टूटने पर अगर दो डॉटर सेल बनेंगी तो भी वो फिजन है, एक पेरेंट के टूटने पर बहुत सारे डॉटर सेल्स बन रहे हैं वो भी फिजन है। तो अगर एक पेरेंट के टूटने पर हमें हमेशा दो ही डॉटर सेल्स मिलते हैं तो भी सेग्रीगेट हो गया फिजन, बाइनरी फिजन। और अगर एक ही पेरेंट से, एक ही पेरेंट को तोड़ने पर मुझे ज्यादा डॉटर सेल्स मिलते हैं तो बाइनरी फिजन, मतलब फिजन के भी दो टाइप हो गए कि भाई जब भी मैं पेरेंट को काटूंगी या जब भी पेरेंट फिजन करेगा या फिजन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो हमेशा पक्का है मुझे दो ही डॉटर सेल्स मिलेंगे। इज इट क्लियर? और मल्टीपल में क्या होगा, मुझे बहुत सारे मिल जाएंगे, मल्टीपल तो फिर ऑब्वियसली मोर देन टू ही होंगे। बाइनरी फिजन सिंपल क्या मतलब होता है, कट करना, कट करना, एसेक्सुअल सेल डिविजन, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। इसका कॉन्सेप्ट बताती हूं मैं, जैसे ये एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, अब आपने क्या है, न्यूक्लियस को काट दिया, ठीक है, तो काटने पर क्या होगा, ये न्यूक्लियस ऐसे फरकेट करेगा, फरकेट हो गया, ठीक है। अब न्यूक्लियस के कटने के बाद साइटोप्लाज्म कटेगा, ये एक फरो बनेगा और साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगा। अब ये न्यूक्लियस बांट दो, ये दो डॉटर सेल्स आ गए, ये साइटोप्लाज्म, ये बीच का न्यूक्लियस, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। आई बात समझ में, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस को तोड़ोगे तो कैरियोकाइनेसिस करोगे, साइटोप्लाज्म को तोड़ोगे तो साइटोकाइनेसिस करोगे। अब देखो बाइनरी फिजन में भी आपके पास काफी मेथड्स हैं। देखो इसमें आप क्या कर रहे हो, ले देके ऑर्गेनिज्म को तोड़ रहे हो, मैं यहां पर लिखती हूं, मैंने फिजन किया, कट कर दिया। अब मैं कौन से प्लेन से कट कर रही हूं, कौन से डायरेक्शन से कट कर रही हूं, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे, उस बेसिस पे फटाफट ले लो एग्जाम्पल्स के साथ साथ। सिंपल बाइनरी फिजन इररेगुलर है, आप किसी भी प्लेन से, किसी भी डायरेक्शन से ऑर्गेनिज्म को काटो, सेल डिवीजन होगा और ऑफस्प्रिंग्स बन जाएंगे, जैसे अमीबा है ये। अब ये अमीबा क्या है, इररेगुलर, थोड़ी इसकी बाउंड्री होती है, क्यों, क्योंकि इसके पास सुडोपोडिया है ना, ये सुडोपोडिया है इसके पास, ये सुडोपोडिया थोड़ा और अच्छे से बना लो,
इज इट क्लियर? इसको आप किसी भी प्लेन से काटो, आपको बराबर डॉटर सेल्स दो मिल जाएंगे, क्योंकि फिजन है ना, फिजन मतलब बाइनरी फिजन, दो 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 दो। प्लेन कौन सा भी होगा, कोई से भी प्लेन से काटो, आपको दो ही ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। ज्यादा मिले तो क्वेश्चन बन गया, तो मल्टीपल मल्टीपल फिजन। लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन, युगलीना। देखो युगलीना वैसे देखा जाए तो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्जियल ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म मिक्सोट्रॉफिक है। मिक्सोट्रॉफिक मतलब इसको धूप मिलती है तो ये फोटोसिंथेसिस खुद खाना बना लेता है, और जैसे ही मान लो लाइट चली गई, ठीक है ना, बिल्कुल भी लाइट अवेलेबल नहीं है, तो ये फ्लैजिला से खुद ही मूवमेंट लोकोमोशन करके फेगोसाइट कर लेता है। तो बहुत ही मतलब मल्टी टैलेंटेड ऑर्गेनिज्म है ये युगलीना, ऐसा दिखता है। इसको आपको हमेशा लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस से ही काटना है। जब आप बिल्कुल सीधा लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस से काटोगे तभी आपको दो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। मतलब ऑर्गेनिज्म भी प्लेन के अकॉर्डिंग क्या हो गए हैं, हाईली स्पेसिफिक हो गए हैं। भाई अमीबा को आप किसी भी प्लेन से काटो, दो डॉटर सेल्स मिलेंगी। युगलीना को आपको लॉन्जिट्यूडनल काटना है, दो डॉटर सेल्स मिल जाएंगी। अब प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया क्या है? देखो प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रिजनरेशन भी करता है, फ्रेगमेंटेशन भी कर देता है, और कहीं ना कहीं वो बाइनरी मल्टी टैलेंटेड है। इस पर भी क्वेश्चन बनेगा, जैसे प्लेनेरिया है, ठीक है। अब ये प्लेनेरिया ये ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है। अब आप इसको ट्रांसफर मतलब इस तरीके से काटोगे, इस तरीके से काटोगे तो इसका जो बीच का न्यूक्लियस है ये कुछ ऐसे डिवाइड होगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये वाला न्यूक्लियस इस ऑर्गेनिज्म को मिला, ये वाला दूसरे प्लेनेरिया को मिला, और उसके साथ साइटोकाइनेसिस भी हो गया। सो कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, इज इट क्लियर? अब आती है ऑब्लिक बाइनरी फिशन। देखो ऑब्लिक पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ऑब्लिक का मतलब है कि डायनोफ्लैजिलेट है, आप इसको ऐसे ऑब्लिक काटोगे, ये वाला कंटेंट इस डॉटर सेल को मिलेगा, ये वाला कंटेंट इस डॉटर सेल को मिलेगा। मतलब ले देके काटना है आपको, कोई भी प्लेन उठा लो, ऑर्गेनिज्म हाईली प्रिसाइज है, और आपको दो डॉटर सेल्स मिल जाएंगी। आई बात समझ में फिजन का? और मैक्सिमम जो क्वेश्चन है नीट के अंदर वो लॉन्जिट्यूडनल से आता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराऊंगी और देखना भी, लॉन्जिट्यूडनल से बहुत क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स। इतना समझ में आया? अब बात आती है मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, आप ऐसा कुछ भी करो कि इसके पास बहुत सारी डॉटर सेल्स बन जाए। इज इट क्लियर? मुझे बहुत सारी डॉटर सेल्स बनानी है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे मल्टीपल डिविजन कराने पड़ेंगे। देखो इस केस में क्या है, जो अमीबा है वो दोनों तरीके से सुरक्षित है। अमीबा बाइनरी फिजन भी कर रहा है, अमीबा मल्टीपल फिजन भी कर रहा है। अब वो मल्टीपल फिजन कैसे करता है, देखो मल्टीपल फिजन अमीबा तब करेगा जब कंडीशन बहुत ज्यादा अनफेवरेबल आ जाती है। देखो ये आगे भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन बहुत ज्यादा है, अनफेवरेबल का मतलब जैसे स्ट्रेस कंडीशन अमीबा करवाएगा, प्लास्मोडियम भी है, स्ट्रेस कंडीशन, बाहर बहुत गर्मी है, बाहर बहुत ठंड है, बाहर बहुत ह्यूमिडिटी है, अमीबा रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको बहुत सारी डॉटर सेल्स बनानी है। आई बात समझ में? रिप्रोडक्शन भी करना है, बाहर का इन्वायरमेंट भी सूटेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारी डॉटर सेल्स बनानी है। उस कंडीशन में अमीबा सुडोपोडिया को हटाएगा। भाई स्ट्रेस है, अभी मैंने स्टोर कर रखा है फूड, मेरे को नहीं है जरूरत सुडोपोडिया की, मेरे को नहीं करना इंगल्फ, मेरे को नहीं करना फेगोसाइटोसिस, मुझे रिप्रोडक्शन करना है। ये अमीबा अब बिल्कुल रेगुलर फॉर्म में आ गया। अनफेवरेबल कंडीशंस में ये अपने आसपास सिस्ट बनाएगा। सिस्ट का मतलब होता है तबियत से टफ और प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिससे कि जब अमीबा
अंदर मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन करेगा तो बाहर का स्ट्रेस उसको नहीं छू पाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? को दूसरा कलर ले लेते हैं समझाने के लिए. इज इट क्लियर? ये क्या है? सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन, मतलब इंसिस्टेशन, प्रोटेक्शन. यार मैं अपने घर के बाद कैसी गजब के मैंने ये ना बाउंसर्स लगा रखे. कैसा बाउंसर लगाऊं? टफ स्ट्रॉन्ग. तो ये सिस्ट वॉल भी क्या होती है? टफ होती है, स्ट्रॉन्ग होती है. देखो मैं हार्ड कब बोलती हूँ? जब बोन आ जाती है. पर मैं टफ कब बोलती हूँ? जब कोलेजन आ जाता है. बस ये दोनों टर्म याद रखो, आगे बता दूंगी. ठीक है? तो अमीबा ने अपने आसपास सिस्ट बना ली, लेयर बना ली. अभी थ्री लेयर. ठीक है, मतलब एक लेयर, दो लेयर और तीसरी लेयर. अब आओ स्ट्रेस. आई एम हाईली प्रोटेक्टिव, कुछ नहीं कर सकते तुम बाहर से मुझे आकर. अब मैं डिवीजन करूंगी, मल्टीपल डिवीजन. देखो बच्चों, सेल डिवीजन करवाना है तो दो ही चीजें याद रखनी है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस. तो जैसे ये इसका न्यूक्लियस है, ये इस न्यूक्लियस ने डिवाइड किया और भी बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाए. एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियाई. अब साइटोप्लाज्म भी क्या हो गया? इनको मिल गया, मिल गया इनको एक एक को. ठीक है, मैं ऐसे कह सकती हूं कि ये है, ये बहुत सारी चीजें आ गई. और ये बाहर सिस्ट वॉल है, प्रोटेक्टिव डिफेंसिव कवरिंग. जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, और कंडीशन क्या है कि अमीबा को बहुत सारी डॉटर सेल्स बनानी है, तो ये एक एक इंडिविजुअल डॉटर है, डॉटर सेल है. फेवरेबल कंडीशन आएगी, सिस्ट वॉल फट जाएगी, रप्चर, भगाओ सिस्ट वॉल को. ठीक है, और रिलीज कर दो डॉटर अमीबे को. डॉटर अमीबे बाहर जाएगी, फेवरेबल कंडीशन उसको मिलेगी, बढ़िया वेल डेवलप मैच्योर पेरेंट अमीबा बन जाएगा. ठीक है, अब सुडोपोडिया भी आ जाएगा. अब यही अमीबा अपने आगे लाइफ स्पैन में बाइनरी फिजन भी कर सकता है, मल्टीपल फिजन भी कर सकता है. आई बात समझ में? चलो, मुझे लगता है इतना आप लोगों को समझ में आ जाएगा. पहला ये सेक्सुअल मोड हो गया है. अब दूसरा मोड है बर्ड क्रिएट करो. कली, कली से फूल खिलता है, बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं. तो बर्ड का मतलब क्या है कि ये एक पेरेंट बॉडी है, कहीं पर भी एक कोने में इस पेरेंट बॉडी ने एक आउटग्रोथ बना दी, एक आउटग्रोथ बना दी, जिसको बोला प्रोट्यूबरेंस. बर्ड आउटग्रोथ, कुछ बोलते हैं कि पेरेंट की बॉडी पहले रेगुलर थी, अचानक उसमें इरेगुलरिटी आई ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ बर्ड, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ बर्ड. इस प्रोट्यूबरेंस को बर्ड कहते हैं. ये जो बर्ड है ये पेरेंट बॉडी के बाहर भी बन सकती है और ये बर्ड पेरेंट बॉडी के अंदर भी बन सकती है. बाहर बनेगी तो एक्सटर्नल बर्डिंग, एक्सोजिनस बर्डिंग, अंदर बनेगी तो इंटरनल बर्डिंग, एंडोजिनस बर्डिंग. एक्सो बाहर, एंडो अंदर, एक्सो बाहर, एंडो अंदर. एक्सोसाइटोसिस पढ़ा है? सेल वॉमिटिंग. और एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग, वही कॉन्सेप्ट है. ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूं, आगे बताती हूँ. ठीक है, बट डेवलप्स ऑन पेरेंट बॉडी आइदर, ओके करेक्टेड, एक्सटर्नली, इट इज नॉट इटर्नली, इट इज एक्सटर्नली, ओके आई एम सो सॉरी, और इंटरनली. पेरेंट या तो बाहर प्रोट्यूबरेंस शो कर रहा है या उसने अंदर ही ग्रोथ कर ली. अगर एक्सटर्नली है तो एक्सोजिनस, तो एक्सोजिनस, अंदर है तो एंडोजिनस. चलो आगे देखते हैं. देखो एक्सोजिनस में सबसे पहले एग्जाम्पल देखो. पहले एग्जाम्पल पे क्यों कूदी? जैसे ही एग्जाम्पल बताऊंगी ना, पूरे ऑर्गेनिज्म का एक पिक्चर बना लेना दिमाग में, फ्रेमवर्क बना लेना, देखो कैसे समझ में आएगा. ईस्ट, ईस्ट की बॉडी कैसी होती है? लॉन्ग, इलोंगेटेड एंड सिलिंड्रिकल. लॉन्ग, इलोंगेटेड एंड सिलिंड्रिकल. और ये सबस्ट्रेटम के साथ चिपका हुआ है, तो इसका नेचर क्या है स्टूडेंट्स? सेसाइल. इट इज नॉट फ्री लिविंग, इट इज सेसाइल.
आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? ठीक है चलो, ये जैसे ये एग्जोजिनस हो गया, ये एंडोजिनस हो गया, ईस्ट हो गया है, इसके साथ आप एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा है हाइड्रा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक्चुअली मैं हाइड्रा का एग्जाम्पल बताया, आई एम सो सॉरी मैंने ईस्ट बोल दिया, मैं हाइड्रा का एग्जाम्पल बता रही हूं। हाइड्रा को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है कली बनाकर, बड बनाकर। तो ये पेरेंट बॉडी है, ये ऐसे वास की तरह, देखो बॉडी को देखो लॉन्ग इलोंगेटेड, ये वास की तरह है, ठीक है ना, इसमें टेंटेकल्स भी है, ये उसकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है। अब हाइड्रा ने क्या किया, एक ऐसे प्रोट्यूबरेंस बना लिया, एक आउटग्रोथ बनाकर उसने ये सजेस्ट कर दिया है कि नाउ आई विल अंडरगो एक्सटर्नल बडिंग, नाउ आई विल अंडरगो एक्सटर्नल बडिंग विच इज अ मोड ऑफ एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम माय साइट। आई बच्चा लोग समझ में? अब क्या करूं इसका यार, इसको मुझे ऑफस्प्रिंग बनाना है, मुझे बेबी हाइड्रा बनाना है, बेबी ईस्ट बनाना, तो कुछ तो करूंगी। इसके अंदर जो न्यूक्लियस का डिविजन है, ठीक है, या आप साथ साथ में ईस्ट भी ले लो, ठीक है, मैं दोनों एग्जाम्पल बता देती हूँ। पहले हाइड्रा का बता दूं, ये हाइड्रा में ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या हुआ, डिवाइड हुआ, ठीक है, इसने अपना एक न्यूक्लियस बड को दे दिया, साइटोप्लाज्म भी दे दिया, ये बड पेरेंट से चिपकी हुई है, नरिशमेंट ले रही है, न्यूट्रिशन ले रही है। कुछ देर बाद जब इसको लगता है कि मैं अकेले सर्वाइव कर सकती हूं, ये डिटैच हो जाएगी और बेबी हाइड्रा पानी में जाएगा, ठीक है। उसका होता है ना अल्टरनेशन और जनरेशन, पॉलिप एंड मेड्यूसा, फ्री लिविंग भी है, सेसाइल भी है, अपने हिसाब से डेवलप कर लेगा। अगर ईस्ट के बारे में बात करूं तो ये ईस्ट है, इसमें ये एक आउटग्रोथ बनी, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ने क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है, ये आउटग्रोथ है, इसमें न्यूक्लियस चला गया, इसमें साइटोप्लाज्म, और फाइनली ये डॉटर ईस्ट। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो पहले क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस। फंडा एक ही है एसेक्सुअल का, न्यूक्लियस डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है तो ऑर्गेनिज्म को लिविंग होना चाहिए, सेल्यूलर होना चाहिए और सेल डिवीजन करवाना आना चाहिए, ठीक है। अब आती है एंडोजिनस बडिंग। ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, ये स्क्रब बनाने में यूज करते हैं। इज इट क्लियर? इसके अंदर क्या है, जैसे ये पेरेंट बॉडी है, छोटी छोटी बर्ड सेल डिवीजन से बन जाएंगी और इन बर्ड्स को स्पेसिफिकली आप कहोगे जेन्यूल्स। क्या कहोगे, जेन्यूल्स। इंटरनल बर्ड्स को जेन्यूल कहते हैं, इसलिए इंटरनल बडिंग को जेन्यूल फॉर्मेशन भी कहते हैं। जैसे जेन्यूल बना, ये जेन्यूल एक सेल को इंडिकेट करता है, एक आर्कियोसाइट को इंडिकेट करता है, और ये जो जेन्यूल है ये अपने आसपास ऐसी मोटी प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगा। तो जेन्यूल जब आसपास प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगा तो आप इसको बोलोगे आर्कियोसाइट। क्या बोलोगे, आर्कियोसाइट। बाहर निकलना है फेवरेबल कंडीशन में, ये एक ओपनिंग बनेगी, माइक्रोपाइल, इसमें से बाहर निकाल दो, अपने आप इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ले लेंगे। मतलब पेरेंट स्पॉन्जिला से क्या बना, बेबी स्पॉन्जिला। इज इट क्लियर? आपको आ रही है बात समझ में? तो एक तरीके से मैं कहूं तो ये भी जब अनफेवरेबल कंडीशन है तभी अप्लाई हो रहा है, मतलब इट कैन अगर इन फेवरेबल ऑल्सो, लेकिन कोई अगर जब भी प्रोटेक्शन लेता है ना तो कहीं ना कहीं बाहर बहुत बड़ी गड़बड़ होती है, ठीक है। नाउ फ्रेगमेंटेशन, अब क्या आएगा स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, तोड़ दो। जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, एक फ्रेगमेंट, दूसरा फ्रेगमेंट, तीसरा फ्रेगमेंट, ये एक फ्रेगमेंट बना, दूसरा बना, तीसरा बना,
पहला फ्रेगमेंट भी पेरेंट बना देगा, दूसरा भी पेरेंट बना देगा, तीसरा भी पेरेंट बना देगा। काबिलियत देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आपको इवोल्यूशन दिखेगा, बाइनरी उतना डेवलप नहीं जितना फ्रेगमेंटेशन है। पेरेंट बॉडी पीसेस में ब्रेक हो जाती है, हर एक पीस को आप फ्रेगमेंट बोल रहे हो, हर एक पीस को आप क्या बोल रहे हो, एक टुकड़ा बोल रहे हो, एक फ्रेगमेंट बोल रहे हो, जो कि डिविजन के लिए कैपेबल है, जो डिवाइड करके पेरेंट बना सकता है। ईच फ्रेगमेंट देन डेवलप्स इनटू द सेम पेरेंट वन। अब मान लो कोई ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ, एकदम से कुछ गिर गया उस पर और वो एक्सीडेंटली फ्रेगमेंट हो गया, तो यहाँ पर एक्सीडेंटली भी पार्ट्स क्या हो सकते हैं, मतलब नेचुरल के अलावा आप अदर हार्श कंडीशन भी सोच सकते हो। इसका देखो, ये ज्यादा डेवलप है ना, तो इसका स्कोप भी ज्यादा है, इसका ऑर्गेनिजम्स में स्कोप भी ज्यादा। देखो इसको एल्गी भी करवा रहा है, फंजाई भी करवा रहा है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट, इकाइनोडर्म्स, स्टारफिश होती है, ठीक है, ये उसकी सेंट्रल डिश के एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। ये खुद ही अपने पार्ट को हटा देती है, इसको क्या, जब भी कोई अटैक करने आता है ना, ये अपना जो एक फिश का जो पार्ट है ना, वो खुद ही उखाड़ के दे देती है, ले जा मैं बच के आगे निकल जाऊंगी और उसको मैं दोबारा फ्रेगमेंट बना लूंगी। देखो स्टूडेंट्स, अब आप कंफ्यूज होंगे रीजेनरेशन से, तो फ्रेगमेंटेशन काफी हद तक रीजेनरेशन से रिलेटेड है, ज्यादा इफेक्टिव है, इसे देखो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स इसको करा रहे हैं। ये एल्गी से टेरिडोफाइट्स तक तो प्लांट्स आ गए, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट, सी एनिमल्स और इकाइनोडर्म्स तक एनिमल्स के, मतलब ये अपने आप को क्या करते हैं, खुद टुकड़ों में बांट देते हैं, मैं एक टुकड़ा हूं, बहुत सारे टुकड़े बनेंगे और हर टुकड़े से मेरा सेम टुकड़ा दोबारा बन जाएगा। रीजेनरेशन, रीजेनरेशन एक्चुअली रीग्रोथ है। छिपकली होती है ना, ये देखो बनाने की कोशिश करती हूं मैं छिपकली, यार ये चूहा तो नहीं लग रहा, नहीं ये छिपकली है, इसकी पूंछ कट गई या ये आधी कटी, सपोज करो ये कट गई, थोड़े दिन बाद आप देखोगे ये पूंछ दोबारा आ जाएगी। एसेक्सुअल सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट तो याद रख लो, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने ना एसेक्सुअल के, तो सेल डिवीजन का, ये भी एक्सीडेंटल हो गया भाई, जैसे छिपकली की पूछ एक्सीडेंटली कट गई, या उसको कोई अटैक करने आ रहा था, तो अटैकिंग पोजीशन से बचने के लिए, अपने आप को एक डिफेंस देने के लिए, ये एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म भी है, ये एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म भी है कि भाई मैंने एक पूछ देके पूरा अपने आप को बचा लिया। आई बात समझ में? ये दो तरीके से हो सकते हैं, रिपेरेटिव एंड रिस्टोरेटिव। रिपेरेटिव मतलब देखो, रिपेरेटिव मेरे अंदर हो सकता है स्किन, स्किन का कोई टुकड़ा है वो छिल गया है, कुछ दिन बाद आप देखना एपिथेलियल सेल्स में हैज द हाईएस्ट पावर रीजनरेशन, रीजनरेट हो जाएगा। रिस्टोरेटिव, पर्टिकुलर एक पार्ट कट गया था, रिस्टोर हो गया। इन पे क्वेश्चंस आते हैं, एक तरीके से ये एग्जाम्पल है रिपेयर का, हीलिंग एंड रिपेयर, लिविंग वर्ल्ड में बताया था, यस स्टूडेंट्स, रिपेरेटिव एंड रिस्टोरेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का सेशन में यही ओवर करती हूँ। आज हम लोगों ने क्लास ट्वेल्थ नीट यूजी का पहला चैप्टर पढ़ा है रीजेनरेशन, और रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने बेसिक्स कवर किए, डेफिनेशन देखी, लाइफ स्पैन देखा, और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने एसेक्सुअल स्टार्ट किया, एसेक्सुअल में फिजन देखा, बडिंग देखी, फ्रेगमेंटेशन देखा और रीजेनरेशन देखा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मतलब इस टॉपिक को हम लोग आगे वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, रीजेनरेशन तक मैंने करवा दिया है। अब देखो, अब मैंने आपको इतना पढ़ाया, आप लोग मुझसे जुड़े हो, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको लेट्स क्रैक नीट यूजी विद अनअकैडमी और मेरे साथ करना है, मेरा वीडियो आपको लेक्चर अच्छा लगा है, इसको लाइक करो, शेयर करो, आगे के नोटिफिकेशन के लिए हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब करो यारो, सब्सक्राइब करो। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे, पूरी तरीके से अंदर तक अनअकैडमी के साथ जुड़ जाओगे, तो नेक्स्ट वीडियो जब मेरा आएगा तो आपको नोटिफाई हो जाएगा। मेरा कोर्स अच्छा लगा है, एक साल का, दो साल का परचेज कर सकते हैं, सीधे MB10 कोड अप्लाई करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% का डिस्काउंट कर लो।
मतलब अनअकैडमी को याद रखना है, मुझे याद रखना है, 1 साल 2 साल के कोर्स को याद रखना है, और MBTN को याद रखना है। बस 5 चीजें तो याद रखने को बोल रही हूँ, वो तो कर लोगे स्टूडेंट्स। चलो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे। अगली बार मिलते हैं। बाय।